राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपकी ब्रज की रसोई में। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं ये काले चने की सब्जी। ये काले चने हैं, मैंने ये रात को भिगो के रख दिए थे। रात को ही भिगो के रख दो, सही रहते हैं। एक चम्मच नमक डाल दी, पानी डाल दिया, चार आलू ये छिले हुए थे और चार आलू डाल दिए इसमें उबालने के लिए। ये शिमला मिर्च काटी है दो, और ये अदरक कस कस करके रखी है, ये थोड़ी दाने तार वाली थी। और ये चार हरी मिर्च काट ली हैं और दो टमाटर काटे हैं, बड़े टमाटर थे, खट्टे वाले टमाटर थे, ये मैंने काट के रख लिए हैं। मैं इसको छौंक की तैयारी कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने उबाल लिए थे ये, देखिए फूट रहे हैं, मैंने उबाल लिए थे ये, क्योंकि उबाल के सही बनते हैं। ये आलू भी उबाल लिए थे मैंने, उबाल के कट कर लिए हैं। इनको सबसे लास्ट में डालूंगी मैं, बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत ज़्यादा। मैंने करीब करीब 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। मेरी बेटी ने वीडियो बनाई थी तो उसने नीचे से फ्लेम दिखाई थी आपको, मुझे याद आ गया। पहले शुरू में तो तेज आंच पे ही मैंने इसको रखा था। ये मेरी थोड़ी सी, मैंने आधी से चौथाई चम्मच राई डाली है सरसों, और आधा चम्मच करीब जीरा डाला है। राई से बहुत टेस्ट आ जाता है, आलू की सब्जी में भी राई डालती हूँ मैं। एक चम्मच भर के मैंने हल्दी डाली है, और राई से बहुत टेस्ट आता है। अब ये इनको भून लेते हैं हम। हरी मिर्च और अदरक का से है ये, अदरक पुरानी हो गई थी थोड़ी, इसलिए कच्ची नहीं थी उसमें, इसलिए थोड़े ताड़ ताड़ से थे, बाकी अदरक तो अदरक ही है भाई। अब इनको हल्का सा भून लेते हैं। भून गए, मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, इसको भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, 1 मिनट मुश्किल से इसको भूनना है। ये 1 मिनट में ही पकी सी हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना, बाकी क्रंचीपन अच्छा लगता है उसके अंदर, क्योंकि सूखे छोले हैं ना, चना काले चने। छोले तो आप लोगों ने खूब बनाए होंगे, मैंने काले चने बनाए हैं ये, और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब देखिए ये थोड़ी सी भुन चुकी है, 1 मिनट मुश्किल से भुनी थी ये। स्वादानुसार नमक डाल दिया है मैंने, और आप अगर इसमें चाहें तो प्याज भी काट के चौंक सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, या चौथाई चम्मच लाल मिर्ची। आप जितना चटपटा खाना चाहते हो, तीखा खाना चाहते हो, उस तरीके से डाल सकते हो। मैं इसमें कोई भी ऐसे कलर वाली चीज़ नहीं डालती हूँ, ना कसूरी मिर्च, ना मैं कश्मीरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालती। अब मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर थोड़े से हो जाए सॉर्ट आउट, क्योंकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। ज़्यादा ना ज़्यादा पकाने हैं, 50% के करीब ये पकने चाहिए, अच्छे लगते हैं उनमें सूखे हुए चनों के अंदर ये अच्छे लगते हैं। टमाटर और शिमला मिर्ची ऐसे आती है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, बहुत हेल्दी चीज़ें हैं ये, खानी चाहिए। सर्दियों का मौसम है गर्मा गर्म। मैं इसको थोड़ी देर 1 मिनट ढक के पका लिया मैंने। अब ये देखिए हो गई ना सॉफ्ट, अब मैं डालूंगी इनमें चने, बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। देखिए बहुत अच्छे से मैं इनको चला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ मसाले में, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। एक बार बना के ज़रूर देखना दोस्तों, और आपको अगर मेरी रेसिपी, मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 2 चम्मच मुश्किल से चौथाई कप पानी डाला है, जिससे कि निक थोड़ा और पक जाए ये। बाकी उबले हुए चने हैं,
लेकिन फिर भी मसाला और वो सेट हो जाए इसके साथ, इसलिए डाला है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक करना। बाकी आपको पसंद आएगी, एक बार आप ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बनती है, और ये एक चाट की तरह होती है, बहुत टेस्टी बनती है। यानी कि आलू मैंने सबसे लास्ट में इसलिए डाले थे क्योंकि ये उबले हुए आलू थे, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल ही। यानी आप चाहें तो पहले कच्चे आलू भी भून सकते हो, वैसे कच्चे भी अच्छे बनते हैं, लेकिन मैंने उबाल के डाले थे, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए। और मैंने डाली है अमचूर पाउडर एक बड़ा चम्मच भर के, और ये चाट मसाला एक चम्मच। एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, इससे बहुत टेस्टी बनते हैं ये। ये देखिए लग रहे हैं ना अच्छे, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो ये वेरी टेस्टी हैं। मेरे बच्चे बहुत खुश हो के खाते हैं इनको, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। देखिए ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। ज़रूर बनाना आप।